हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नजीवन चिल्ड्रन एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आवर यूट्यूब चैनल इज नजीवन गरसाना। स्टूडेंट्स, बात कर रहे हैं अपने क्लास नाइन्थ, और क्लास नाइन्थ में अपने चैप्टर नंबर सिक्स, टॉपिक नेम अपने पास में है लाइंस एंड एंगल। स्टूडेंट्स, अगर अपने प्रीवियस क्लास की बात करें देन अपने बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट कम्प्लीट कर चुके हैं किसका, लाइन्स एंड एंगल का। वहाँ आपने सीखा था कि लाइन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है, और फिर अब आप बात कर रहे हैं अपने इसके एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज का मींस क्या है कि अब अपने इसके क्या है कि क्वेश्चंस पार्ट पर आ रहे हैं, जिसमें अपने पास में क्या है कि जो लाइंस होगी तो लाइंस से एंगल्स कैसे फॉर्मेशन होंगे, और कुछ एंगल्स की वैल्यूज अपने पास में नोन होंगी और कुछ एंगल्स की वैल्यू अपने पास में क्या होगी, अननोन होगी। जिन एंगल्स की अननोन वैल्यूज होगी वो अपने को क्या होगा यहाँ फाइंड करना होगा। देन अपने स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.1 एंड क्वेश्चंस नंबर 1 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चंस नंबर 1 में बात करें देन क्या गिवन है आपको कि लाइन ए बी एंड सी डी, कि एक लाइन अपने पास में ए बी है और लाइन अपने पास में क्या है सी डी है, जो क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है। कहां इंटरसेक्ट कर रही है, ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, फर्स्ट चीज ये गिवन। सेकंड इन्होंने बोल दिया कि ए ओ सी प्लस में बी ओ ई, अगर अपने बात करते हैं किसकी, ए ओ सी इट मींस ए ओ सी एंगल ये रहा, और बी ओ ई, बी ओ ई एंगल ये रहा, इन दोनों का जो सम है वो कितना है अपने पास में 70 डिग्री है, और बी ओ डी, बी ओ डी जो है वो आपको कितना गिवन है 40 डिग्री गिवन है। देन आपको जो फाइंड करना है रिमेनिंग एंगल कौन सा, कि अगर अपने बात करें सी ओ ई, लेकिन यहाँ सी ओ ई फाइंड नहीं करना है आपको, तो क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है। इट मीन्स रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल ऑलरेडी अपने प्रीवियस क्लास में बात कर चुके हैं कि एक ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू जो है वो क्या है 180 डिग्री से ग्रेटर है और 360 डिग्री से लेस देन है। एंड अपने को फाइंड करना है क्या, एंगल बी ओ ई फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है अपने को, एंगल बी ओ ई फाइंड करना है। तो आइए स्टूडेंट्स अपने बात कर रहे हैं इनके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। अगर अपने स्टूडेंट सॉल्यूशन की बात करें देन अपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बात की थी कि अगर दो लाइंस क्या करें इंटरसेक्ट करें, दो लाइंस क्या करें इंटरसेक्ट करें, तो क्या ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होते थे, बिल्कुल इक्वल होते थे। क्यों इक्वल होते थे, वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते थे। क्या होते थे, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते थे। तो अगर आप यहाँ लिखेंगे कि अपने पास में जो गिवन डेटा है वो गिवन डेटा क्या है कि जो एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल बी ओ ई जो है वो कितना गिवन है 70 डिग्री गिवन है, और नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं कि एंगल अपने पास में बी और डी जो है वो अपने पास में कितना गिवन है 40 डिग्री अपने पास में गिवन है। तो अगर अपने स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं किसकी, एओसी, यहां लिखेंगे एंगल एओसी जो कि एंगल क्या है इक्वल है किसका, बी और डी का। क्यों इक्वल है, कि अगर अपने लाइंस ए बी और सी डी की बात करें तो दोनों ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो क्या ये जस्ट वर्टिकल अपोजिट एंगल है, बिल्कुल ये अपने पास में क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल है। एंगल AOC इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल BOD, और क्यों होगा ये, क्योंकि ये क्या है अपने पास में वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्यों होगा इक्वल, क्योंकि ये दोनों ही अपने पास में क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स की वजह से ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। तो एंगल अपने पास में AOC की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, अब एंगल BOD की वैल्यू कितनी गिवन है 40 डिग्री, देन AOC की वैल्यू भी अपने पास में कितनी आ जाएगी 40 डिग्री आ जाएगी। नेक्स्ट अगर अपने बात करें यहाँ इक्वेशंस 1 से, तो इसको अपने बात करें कि ये अपने पास में इक्वेशंस 1 है, देन अपने लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या लिखेंगे अपने कि फ्रॉम इक्वेशंस 1 क्या लिखेंगे अपने कि जो AOC है अपने पास में, कि एंगल AOC प्लस में एंगल BOE जो है दोनों का सम कितना है 70 डिग्री, तो एंगल AOC की वैल्यू अपने क्या कर देंगे पुट कर देंगे देन 40 डिग्री, प्लस में एंगल BOE जो होगा वो कितना होगा अपने पास में 70 डिग्री, तो एंगल बी ओ की जो वैल्यू होगी बी ओ ई की देन कितना हो जाएगा 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री इक्वल टू अपने पास में कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा अपने पास में 30 डिग्री आ जाएगा। तो यहां आपने डिटरमाइन किया है क्या, एओसी डिटरमाइन कर लिया है, और अपने क्या फाइंड कर लिया है, एंगल बी ओ ई डिटरमाइन कर लिया है, क्या फाइंड कर लिया अपने बी ओ ई। नेक्स्ट अगर अपने यहां बात करें एंगल सी ओ की, तो सिंस अगर अपने यहां बात करेंगे कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB या BOE की बात करें, तो ये अपने पास में तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, अपने बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स AOC COE और अपने पास में EOB या BOE की बात कर रहे हैं, तो तीनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा।
क्यों होगा? क्योंकि ये अपने पास में यहाँ क्या है, लीनियर पेयर्स, क्या है अपने पास में, लीनियर पेयर्स एंगल है। तो अगर ये लीनियर पेयर एंगल है देन इनका जो सम होगा वो अपने पास में कितना होगा, 180 डिग्री। देन अगर अपने बात करें किसकी AOC की, देन कितना है, 40 डिग्री। COE अभी अपने पास में क्या है, अननोन है, देन COE। और BOE की बात करें या अपने पास किसकी बात कर रहे हैं, BOE या EOP की, देन अपने पास में कितना होगा, ये 30 डिग्री। यहां अगर अपने बात करें देन क्या लिख सकते हैं, इसको BOE भी लिख सकते हैं। तो ये 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में, 180 डिग्री। तो 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। तो एंगल COE की जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री माइनस कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। देन अपने पास में कितना वैल्यू आ जाएगा, 110 डिग्री आ जाएगा। किसका वैल्यू आएगा, 110 COE की। आपको जो यहां फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको, रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है। तो यहां बात करेंगे कि रिफ्लेक्स एंगल COE की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा अपने पास में, 360 डिग्री माइनस सिंपल एंगल COE। अगर अपने बात करें, क्योंकि एंगल COE रिफ्लेक्स में बात कर रहे हैं, देन ग्रेटर देन 180 डिग्री, तो यहां तो अपने पास में 110 है, तो ये तो सिंपल एंगल है। और इसका अगर आपको रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है देन क्या करेंगे, 360 डिग्री में से आप क्या कर देंगे, वो एंगल आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 110 डिग्री। तो ये अपने पास में कितना आ जाएगा, 250 डिग्री, जो कि अपने पास में 180 डिग्री से ग्रेटर है और लेस देन अपने पास में कितना है, 360 डिग्री है। तो यहां आपने डिटरमाइन किया है एंगल्स, रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू कितनी है, 250 डिग्री, और एक अपने पास में एंगल BOE की जो वैल्यू आई थी वो कितनी है, अपने पास में 30 डिग्री। तो यहां आप लिख सकते हैं कि हेंस कि अपने पास में जो वैल्यू है किसका, BOE का, तो BOE की वैल्यू कितना है अपने पास में, 30 डिग्री। एंड जो अपने पास में रिफ्लेक्स एंगल है कौन सा, COE, देन COE रिफ्लेक्स एंगल की जो वैल्यू है वो कितना है अपने पास में, 250 डिग्री है। तो यही आपके पास में क्या होगा, आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्टूडेंट नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं क्वेश्चंस नंबर 2। क्वेश्चंस नंबर 2 में अगेन गिवन है आपको कि लाइंस एक्स वाई एंड लाइन MN, कि अगर अपने बात करें लाइन एक्स वाई और लाइन MN जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। एंगल POY, POY आपको कितना गिवन है, 90 डिग्री गिवन। और आपको गिवन है कि A ratio B, it means ये एंगल अपने पास में A है और ये एंगल आपके पास में B है, और A ratio B आपको गिवन है कितना, 2:3। देन आपको फाइंड करना है कि जो एंगल C की जो वैल्यू है वो कितनी है। आपको जो यहाँ फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, एंगल C की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो अगर अपने यहाँ सॉल्यूशन में बात करें देन आपके पास जो गिवन है वो गिवन क्या है कि जो एंगल POY जो है वो कितना है आपके पास में, 90 डिग्री है। एंड A रेशो B जो है वो आपके पास में कितना है गिवन है, A एंगल रेशो B एंगल कितना है, 2:3। तो अगर अपने यहाँ बात करें कि लेट कि A की बात करें देन एक्चुअल वैल्यू की बात कर रहे हैं तो 2x, एंड जो अपने पास में B है वो अपने पास में कितना है, 3x है। B जो है वो अपने पास में कितना है, 3x है। यहाँ स्टूडेंट्स अपने को क्या गिवन है, रेशियो गिवन है। तो अगर अपने यहाँ एक्चुअल की बात करेंगे देन अपने पास में 2x या 3x इसको क्या कर रहे हैं, अपने एज्यूम कर रहे हैं। तो अब अगर अपने बात करें कि एंगल B प्लस एंगल A मींस क्या है कि एक एंगल B की बात कर रहा हूँ, एक एंगल अपने A की बात कर रहे हैं, और एक एंगल किसकी बात करेंगे, अपने POY की बात करेंगे। इट मींस अगर मैं यहाँ बात करूँ कि एंगल अपने बात कर रहे हैं XOM की बात कर रहे हैं प्लस अपने एंगल MOP की बात कर रहे हैं प्लस एंगल अपने बात कर रहे हैं POY की, तो यहां अगर अपने बात करेंगे कि XOM MOP प्लस POY देन तीनों का जो अपने पास में सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये अपने पास में यहां क्या है, लीनियर पेयर्स एंगल है। क्या है अपने पास में, लीनियर पेयर्स एंगल है, इसलिए इन तीनों का सम कितना हो जाएगा अपने पास में, 180 डिग्री। तो X और M की बात करें देन XOM जो है वो अपने पास में कितना है, B है, और MOP की बात करें देन अपने पास में कितना है, A, और एंगल POY अपने पास में कितना है, 90 डिग्री, और इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में, 180 डिग्री। अगर अपने यहां B की बात करें देन कितना है अपने पास में, 3x, A की बात करें देन अपने पास में कितना, 2x, प्लस में अपने पास में कितना होगा, 90 डिग्री, तो इक्वल टू अपने पास में 180 डिग्री। देन अगर अपने यहां बात कर रहे हैं तो 3x प्लस 2x कितना होगा, 5x, तो 5x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 की बात करेंगे देन 180 डिग्री माइनस 90 इक्वल टू अपने पास में कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। देन अगर अपने यहां x की बात कर रहे हैं तो
तो x की वैल्यूज अपने पास में कितना आ जाएगा, 19 बाय 5 आ जाएगा। 19 बाय 5 की बात करेंगे देन अपने पास में x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 18 आ जाएगी। तो अगेन अपने यहां बात करेंगे एंगल XOM की बात करेंगे तो एंगल XOM जो है वो अपने पास में कितना है, B है, और जो B की वैल्यू है वो अपने पास में कितना है, 3x है। और अगर अपने यहां बात करें X की वैल्यू देन कितना है अपने पास में, 18, तो 18 3 से कितना होगा अपने पास में, 54 डिग्री किसका आ जाएगा, B की वैल्यू आ जाएगी। अगेन नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं यहाँ एंगल MOP की बात करें तो MOP की बात करें देन अपने पास में कितना है, A, और A की वैल्यू अपने पास में कितना है, 2x, देन 2 into अपने पास में कितना होगा, 18, तो 18 2 से कितना होगा, 36 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा अपने पास में, 36 डिग्री आ जाएगा। तो ये तो अपने किसकी वैल्यू डिटरमाइन की है, ए और बी की वैल्यू डिटरमाइन की है, बट आपको जो यहाँ फाइंड करना है वो किसके फाइंड करना है, सी की वैल्यूज डिटरमाइन करनी है। तो अगर अपने यहाँ सी के लिए चेक कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं, सी के लिए, तो सी के लिए अगर अपने चेक करेंगे तो ये अपने पास में क्या है, एक्स वाई लाइन है, और ये अपने पास में क्या है, एम एन लाइन है। क्या है अपने पास में, एम एन लाइन। तो अगर आप फिगर में चेक कर रहे हो तो ये एंगल आपके पास में क्या है, सी है। कौन सा है, ये एंगल आपके पास में सी है। अगर ये एंगल सी है तो क्या इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल ये होगा, तो क्या इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा, इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल जो होगा वो क्या होगा, एम ओ वाई होगा। क्या होगा अपने पास में, एंगल एम ओ वाई। तो यहां अगर अपने बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, नाउ एंगल बात कर रहे हैं अपने किसकी, एक्स ओ एन की बात करें तो एक्स ओ एन की बात कर रहे हैं देन अपने पास में कितना है, ये सी, और C की जो वैल्यूज होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, एंगल एम ओ वाई के इक्वल हो जाएगी। और अगर अपने एंगल एम ओ वाई की बात करेंगे तो एंगल एम ओ वाई जो है वो क्या है अपने पास में, एंगल सम है किसका, एम ओ पी प्लस में किसका, पी ओ वाई का। यहां अगर अपने बात कर रहे हैं एम ओ वाई तो एम ओ वाई किसका सम है, इस एंगल का और इस एंगल का सम है। तो अगर यहाँ अपने एंगल MOP की बात करेंगे देन कितना है आपके पास में, 36 डिग्री, और POY की बात करेंगे देन आपके पास में कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ एंगल C की बात करेंगे देन इसकी वैल्यूज कितनी आ जाएगी आपके पास में, अगर अपने यहाँ बात करेंगे कितना, 30 प्लस 90 120, और 6 कितना, 126 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ अपने पास में सी की जो वैल्यू है वो कितना है अपने पास में, 126 डिग्री है, जो कि आपको क्या है कि डिटरमाइन करना था। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या गिवन है कि आपको एक फिगर गिवन है, उस फिगर में क्या गिवन है कि एंगल PQR, तो एंगल PQR दैट मींस इस एंगल की बात की जा रही है, एंगल PRQ तो इस एंगल की बात की जा रही है। गिवन क्या है कि एंगल PQR जो है वो इक्वल है किसके, एंगल PRQ के। तो अगर ये एंगल इक्वल है देन आपको फाइंड करना है कि जो एंगल PQS है, कि जो एंगल PQS है तो वो किसके इक्वल है, PRT के इक्वल है। इट मींस यहां अगर बात करें अपने इनर पार्ट की या इंटीरियर एंगल की तो वो तो अपने को इक्वल गिवन है, आपको जो फाइंड करना है वो एक्सटीरियर या आउटर एंगल को फाइंड करना है कि वो दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर अपने यहां बात करेंगे किसकी, कि एंगल अपने PQR की बात करें, किसकी बात करें, PQR की बात कर रहे हैं, प्लस एंगल अपने किसकी बात कर रहे हैं, PQS की बात कर रहे हैं, तो क्या ये दोनों कितना होगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे। सिमिलर अगर अपने बात करेंगे देन क्या होगा कि एंगल PRQ प्लस में एंगल क्या होगा, PRT की, PRT जो होंगे वो भी दोनों क्या होंगे, दोनों का सम जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है अपने पास में, लीनियर पेयर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो इन दोनों एंगल्स की वैल्यूज अपने पास में सम कितना है, 180 डिग्री है। दैट मींस क्या होगा कि जो अपने पास में एंगल PQR प्लस में एंगल जो PQS जो है, इन दोनों का जो सम कितना होगा, किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल PRQ के प्लस में एंगल क्या है कि PRT के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इनका सम भी कितना है, 180 डिग्री, और इनका सम भी कितना है, 180 डिग्री। तो इट मींस कि दोनों एंगल्स का सम भी कितना होगा, इक्वल होगा। तो नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं कि एंगल PQR जो है, एंगल PQR जो है वो किसके इक्वल है, एंगल PRQ के इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है डेट मींस क्या होगा कि जो एंगल PQS है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल PRT के इक्वल हो जाएगा। इट मींस कि इनर पार्ट के एंगल अगर इक्वल होंगे देन ये आउटर पार्ट के एंगल इक्वल हो जाएंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये दो बाहर जो है अपने पास में इनर पार्ट का PQR जो है वो इक्वल है किसके, PRQ के।
तो यही आपको क्या है कि यहाँ प्रूफ करना था। इट मीन्स दोनों क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर, और यहाँ पर भी क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर। अगर ये इनर पार्ट के एंगल इक्वल है, डेट मीन्स ये क्या होंगे, आउटर पार्ट के एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आपको यहाँ क्या करना था, प्रूफ करना था। नेक्स्ट अगर अपने बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर की, तो क्वेश्चन नंबर फोर में अगेन आपको क्या है कि गिवन है फिगर, और उसमें कहा गया है कि एंगल एक्स प्लस वाई की, एंगल एक्स प्लस वाई डिग्री की जो वैल्यू है इन दोनों का सम, वो किसके इक्वल है, जेड और W इन दोनों के सम के इक्वल है। देन आपको प्रूफ जो करना है, वो क्या प्रूफ करना है कि जो AOB है वो एक क्या है, लाइन है। AOB जो है वो एक अपने पास में क्या है, लाइन है। तो अगर अपने इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे, देन क्या करेंगे, अपने यहां क्या करेंगे, इसका जस्ट अपोजिट प्रूफ करेंगे। कैसे, यहां अपने एज्यूम कर रहे हैं अपने क्या कि AOB इज ए लाइन, कि AOB जो है वो अपने पास में क्या है, लाइन है। अगर AOB लाइन है, देन अपने पास में क्या होगा कि x प्लस वाई डिग्री जो होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि x प्लस वाई दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ये लीनियर पेयर बनाएंगे। तो लीनियर पेयर की वजह से इन दोनों का सम जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। अगेन अपने अगर बात करेंगे तो अपर साइड बात की है, नेक्स्ट अगर बिलो साइड बात करेंगे, देन क्या होगा, जेड प्लस डब्ल्यू जो होगा वो भी कितना होगा अपने पास में, 180 डिग्री। तो ये भी अपने पास में क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो अगेन ये भी 180 डिग्री इक्वल और ये भी 180 डिग्री के इक्वल। दैट मींस क्या होगा कि इन दोनों का सम, जो x प्लस y का जो सम है, वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, किसका, z प्लस w के सम के इक्वल हो जाएगा। हेंस अगर अपने यहां बात कर रहे हैं कि उल्टा अपने कर रहे हैं, कि अगर इसको अपने लाइन एज्यूम कर रहे हैं, तो लीनियर पेयर से 180 डिग्री, लीनियर पेयर से 180 डिग्री, इट मींस क्या आ रहा है कि ये दोनों इक्वल आ रहा है, जो कि अपने को क्या है, गिवन है। तो अगर यहां बात करेंगे कि हेंस कि ये दोनों इक्वल है, इट मींस कि ओवर एज्यूम्पशन कि अपने जो यहां क्या किया है, एज्यूम किया है, ओवर एज्यूम्पशन इज करेक्ट, कि अपना जो एज्यूम्पशन किया है वो अपने पास में क्या है, करेक्ट है। अगर ये करेक्ट है, देन क्या हो जाएगा कि हेंस अपने पास में क्या हो जाएगा कि AOB जो होगा वो क्या होगा अपने पास में, इज ए लाइन, वो एक क्या होगा, लाइन होगा। तो स्टूडेंट्स अगर अपने यहां बात करेंगे कि आपको क्या प्रूफ करना था, AOB एक लाइन प्रूफ करना था। कब प्रूफ करना था, अगर ये गिवन है। अब मैंने यहाँ उल्टा स्टार्ट किया है, पहले मैं एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ कि अगर अपने पास में ये लाइन है, डेट मीन्स अपने पास में क्या आना चाहिए, ये फॉर्मूला अपने पास में आना चाहिए या ये इक्वेशन अपने पास में आनी चाहिए। तो अगर अपने यहाँ लाइन एज्यूम कर रहे हैं, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री से लीनियर पेयर, दोनों का सम कितना, 180 डिग्री से पेयर, देन अपने पास में कितना हो जाएगा, दोनों का सम इक्वल हो जाएगा, जो कि अपने पास में यहाँ क्या है, गिवन है। इट मीन्स कि ओवर एज्यूम्पशन जो है वो अपने पास में क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो अगर ओवर एज्यूम्पशन करेक्ट है, दैट मीन्स क्या है कि AOB जो है वो एक क्या है, लाइन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ स्क्रीनशॉट लीजिए आप। स्टूडेंट नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, तो अपने स्टूडेंट्स अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है कि POQ इज ए लाइन, तो POQ जो है वो आपके पास में क्या है, एक लाइन है। नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं यहां कि OR मतलब जो रो क्या है अपने पास में, रे, तो रे क्या है अपने पास में, OR जो कि अपने पास में यहां क्या है, परपेंडिकुलर है। यहां अपने बात कर रहे हैं किसकी, रे की बात कर रहे हैं, OR की ये क्या है, परपेंडिकुलर है। जैसे ही ये परपेंडिकुलर होगा किस पर, POQ लाइन पर, डेट मींस क्या होगा कि ये 90 डिग्री बनेगा, और यहाँ इस साइड भी अपने पास में क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। अगर आपसे बात की जाए परपेंडिकुलर का मींस, देन क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल, तो ROQ एंगल की बात करेंगे, देन कितना है, 90 डिग्री। और अगर अपने बात कर रहे हैं किसी ROP, तो ROP एंगल की वैल्यू भी कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। नेक्स्ट आपसे क्या बात की जा रही है कि जो अनदर रे, एक रे अपने पास में और है, कौन सी, OS, जो कहां है, बिटवीन, किसके बिटवीन है, OP और OR के बिटवीन है। तो एक अपने पास में अनदर रे है, कौन सी, OS रे है, जो अपने पास में क्या है, बिटवीन किसके, OP और RO या OR के बीच में है। तो अपने को प्रूफ क्या करना है कि जो एंगल ROS है, ये अपने को प्रूफ करना है कि जो एंगल ROS जो है वो क्या है कि हाफ है किसका, सब्ट्रैक्शन ऑफ एंगल QOS माइनस अपने बात कर रहे हैं POS की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आपको सिंपल यहां क्या डिटरमाइन करना है, ROS डिटरमाइन करना है। क्या डिटरमाइन करना है, ROS डिटरमाइन करना है, बट किसकी टर्म्स में डिटरमाइन करना है आपको, एक तो किसकी टर्म्स में, QOS की टर्म्स में डिटरमाइन करना है। तो यहां आप लिखेंगे फ्रॉम द गिवन फिगर, क्या लिखेंगे कि फ्रॉम द गिवन फिगर की अगर अपने बात कर रहे हैं गिवन फिगर से ही, तो गिवन फिगर में अगर अपने यहां चेक करेंगे, देन अपने पास में एंगल ROS की बात कर रहे हैं, तो एंगल ROS की बात की जाए तो वो किसकी टर्म्स में, अगर अपने यहां बात कर रहे हैं किसकी, Q एंगल
QoS की बात कर रहे हैं तो ROS को किसके टर्म्स में लिखना है, QoS के टर्म्स में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? ROS एंगल जो है तो वो एंगल क्या QoS के टर्म्स में कैसे लिखा जाएगा कि QoS एंगल में से अपने सबट्रैक्ट कर दे क्या एंगल POQ को, क्या कर दे अपने एंगल यहां ROQ या QOR, भाई ये टोटल है अपने पास में एंगल है क्या QOS, ये अपने पास में टोटल एंगल है, इस एंगल में से अगर अपने क्या QOR एंगल को क्या कर दे सबट्रैक्ट कर दे तो क्या अपने पास में Q कौन सा ROS एंगल आएगा, बिल्कुल अपने पास में ROS एंगल आएगा, तो ये अपने यहां क्या है कि लिख लिया है, इसको अपने दे देंगे इक्वेशन नंबर क्या 1 दे देंगे। नेक्स्ट अगेन अपने बात कर रहे हैं एंगल ROS को आपको लिखना है, तो एंगल ROS को QOS के टर्म्स में तो लिख लिया है, अब किसके टर्म्स में लिखना है आपको POS के टर्म्स में लिखना है, किसके टर्म्स में लिखना है POS के टर्म्स में लिखना है, तो ROS के बीच में तो अपने पास में क्या POS तो नहीं आ रहा, बट अगर अपने यहां एंगल की बात करेंगे तो एंगल POR माइनस अगर अपने यहां बात कर रहे हैं एंगल किसकी POS की बात करेंगे कि टोटल एंगल की बात की जाए किसकी POR में से अगर अपने POS से सबट्रैक्ट कर देंगे देन अपने पास में जो एंगल आएगा वो कौन सा आएगा ROS एंगल आएगा, तो इसको अपने क्या दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। अब आपको क्या करना है यहाँ कि आपको ऐड करना है, क्या ऐड करना है इक्वेशन 1 प्लस में इक्वेशन नंबर क्या करना है 2, दोनों को क्या करना है आपको ऐड करना है, तो अगर अपने यहाँ स्टूडेंट्स ऐड करेंगे देन क्या होगा कि एंगल ROS प्लस में एंगल ROS मींस क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड पार्ट लेफ्ट हैंड साइड पार्ट के साथ ऐड होगा, और अगर राइट हैंड साइड की बात करेंगे देन अपने पास में क्या है एंगल QOS माइनस अगर अपने बात करेंगे QOR, तो ये अपने फर्स्ट इक्वेशंस का पार्ट है और उसमें अपने ऐड कर देंगे क्या सेकंड पार्ट का इक्वेशंस POR माइनस एंगल POS। नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं कि सिंस जो ओ आर अपने पास में है वो क्या है परपेंडिकुलर है, किस पर परपेंडिकुलर है पी ओ क्यू पर परपेंडिकुलर है, तो अगर वो पी ओ क्यू पर परपेंडिकुलर है दैट मींस क्या होगा कि जो एंगल पी ओ आर की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 90 डिग्री हो जाएगी, एंड एंगल अपने पास में किसकी क्यू ओ आर की भी बात करेंगे तो क्यू ओ आर भी कितना होगा 90 डिग्री होगा, कि अगर अपने यहाँ परपेंडिकुलर की बात की जाए तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा और ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, तो इन्हीं की वैल्यू अपने क्या कर देंगे इस इक्वेशंस में पुट करेंगे तो ROS प्लस में ROS जो होगा वो तो कितना हो जाएगा अपने पास में 2 एंगल ROS और इक्वल टू अपने बात करेंगे देन एंगल QOS माइनस वो बात कर रहे हैं किसकी QOR की, तो QOR की वैल्यू कितनी है अपने पास में 90 डिग्री है, प्लस में अगर अपने एंगल की बात कर रहे हैं POR की वैल्यू कितनी है अपने पास में 90 डिग्री है, और माइनस ऑफ एंगल क्या है अपने पास में POS है, देन प्लस के 90 डिग्री माइनस के 90 डिग्री से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहां अगर अपने बात कर रहे हैं तो 2 ऑफ एंगल ROS इक्वल किसके है अपने पास में एंगल QOS माइनस ऑफ एंगल POS के इक्वल है, तो अगर बात कर रहे हैं अपने एंगल ROS फाइंड करना है देन वो क्या हो जाएगा अपने पास में हाफ ऑफ एंगल QOS minus of angle POS, जो कि अपने को क्या करना था प्रूफ करना था, तो ये अपने प्रूफ किया है तो यही अपने पास में क्या होगा हेंस प्रूफ हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ ऑलरेडी आपको गिवन है कि क्या गिवन है कि ROS आपको डिटरमाइन करना है QOS और POS के टर्म्स में, तो अगर अपने QOS के टर्म्स में देख रहे हैं तो ROS क्या होगा कि QOS में से आपको QOR सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर अपने बात करेंगे POS के टर्म्स में तो POS के टर्म्स में कैसे करेंगे आप कि POR में से आप क्या कर देंगे POS को सबट्रैक्ट करेंगे देन आपके पास में क्या आएगा ROS आएगा, और अगेन अपने वैल्यूज को पुट करके यहां क्या कर देंगे सॉल्व आउट कर देंगे। स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। स्टूडेंट नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 का क्या है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है आपको कि एंगल एक्स वाई जेड जो है वो कितना है 64 डिग्री गिवन है, तो अगर अपने बात करेंगे किसकी एंगल किसकी बात कर रहे हैं एक्स वाई जेड की बात कर रहे हैं, तो ये अपने पास में एंगल एक्स वाई क्या है जेड है जो कि कितना है अपने पास में 64 डिग्री है। नेक्स्ट बात की जा रही है एक्स वाई प्रोड्यूस टू पॉइंट पी कि एक्स वाई जो है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है या इसको अगेन प्रोड्यूस किया जा रहा है कहां तक पॉइंट पी तक आपको इसको एक्सटेंड किया जा रहा है, तो अगर अपने पास में क्या करना है कि ये अपने पास में एंगल है और इसको एक्सटेंड करना है पी तक, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द इंफॉर्मेशन कि आपको क्या है कि इस इंफॉर्मेशन से फिगर ड्रॉ करना था, तो ये सिंपल अपने क्या कर लिया है फिगर ड्रॉ कर लिया है। नेक्स्ट अगर अपने बात कर रहे हैं कि रे जो है वो क्या है अपने पास में वाई क्यूब,
क्या है अपने पास में वाई क्यूब। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा रे क्या होता है अपने पास में, कि जिसका एक एंड अपने पास में फिक्स होता है और दूसरा अपने पास में कोई एंड फिक्स नहीं होता है। तो यहाँ अगर अपने बात करेंगे किसकी, वाई क्यूब की, देन अपने पास में यहाँ कौन सा पॉइंट गिवन है, वाई तो गिवन है, इट मीन्स ये तो इसका क्या हो जाएगा फिक्स पॉइंट हो जाएगा। और वाई क्यू जो है वो एंगल जेड वाई पी, ये अगर अपने एंगल जेड वाई और पी, तो इसके एंगल को वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। कौन बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ अपने पास में क्यू वाई जो है वो इस पूरे एंगल को सबट्रैक्ट कर रहा है, सॉरी बाइसेक्ट कर रहा है। इट मींस क्या होंगे कि ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि वो उसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो आपको जो प्रूफ जो फाइंड करना है, वो फाइंड क्या करना है, एक्स वाई क्यू, इट मींस आपको एक्स वाई क्यू, एक तो ये एंगल आपको डिटरमाइन करना है और एक आपको रिफ्लेक्स एंगल डिटरमाइन करना है, किसका, क्यू वाई पी का। तो क्यू वाई पी का आपको रिफ्लेक्स एंगल डिटरमाइन करना है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट अपने यहाँ बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे कि सिंस अपने पास में क्या है कि जो रे है, कौन सी रे, क्यू पी, वो क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। क्या बाइसेक्ट कर रही है, कि एंगल अपने पास में किसको, एंगल किसको बाइसेक्ट कर रही है, एंगल जेड वाई पी को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। जैसे ही अपने पास में बाइसेक्ट करेगी, डेट मीन्स कि क्या होगा, कि एंगल पी वाई क्यू जो एंगल है वो इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल क्यू वाई जेड के। और ये दोनों एंगल जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, बाइसेक्ट का मतलब इक्वल भी हो जाएंगे, और वो दोनों क्या होंगे, हाफ होंगे किसके, एंगल जेड वाई पी के, हाफ ऑफ एंगल जेड वाई पी के। तो यहां से अपने पास में क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन से नंबर वन आ जाएगी, क्योंकि अभी अपने पास में क्या है कि जेड वाई पी अपने पास में डिटरमाइन नहीं किया है। तो यहाँ बात करेंगे, तो सिंस अगेन क्या बात करेंगे, कि एंगल अगर अपने बात कर रहे हैं किसकी, जेड वाई पी, जेड वाई पी प्लस में एंगल अपने बात करेंगे किसकी, एक्स वाई जेड, इट मीन्स जेड वाई पी पूरा कंप्लीट एंगल, और ये एक्स वाई जेड दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये अगेन क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ये लीनियर पेयर बनाएंगे। लीनियर पेयर एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है अपने पास में, 180 डिग्री। तो यहाँ अपने पास में जेड वाई पी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, अपने पास में एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है अपने पास में, 64 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। देन अपने पास में क्या हो जाएगा, कि एंगल जेड वाई पी की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस 64। तो 180 डिग्री माइनस 64 कितना होगा, अपने 0, देन बोरो 10, तो यहाँ अपने पास में कितना आ जाएगा, 6, और यहाँ 17, और माइनस अपने पास करेंगे 6, तो 17 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 11, इट मीन्स 116 डिग्री आ जाएगा। तो अगर अपने पास में ये वैल्यू आया है, तो इसी इक्वेशन से अपने क्या यहाँ फाइंड कर सकते हैं, तो किसके एंगल फाइंड कर रहे हैं, अपने एंगल पी वाई क्यू की बात कर रहे हैं, इक्वल टू एंगल जो है वो किसके, क्यू वाई जेड के, और यही तो अपने पास में एंगल किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एंगल जेड वाई पी। तो यहाँ बात करेंगे देन हाफ ऑफ एंगल किसका, 116 डिग्री का, देन अपने पास में कितना होगा, 5 × 10, और अपने पास में 58 डिग्री। तो ये 58 डिग्री जो वैल्यू आई है वो किसकी आई है, अपने पास में पी वाई क्यू, और अपने पास में किसकी आई है, क्यू वाई जेड की आई है। अगर आपको यहाँ डिटरमाइन करना है क्या, एक्स वाई क्यू, क्या डिटरमाइन करना है आपको, एक्स वाई क्यू डिटरमाइन करना है। तो अगर आपको एक्स वाई क्यू डिटरमाइन करना है, तो यहाँ आप लिखेंगे एंगल क्या फाइंड करना है आपको, यहाँ देखो अपने फाइंड कर रहे हैं एंगल एक्स वाई क्यू, तो एंगल एक्स वाई क्यू की बात कर रहे हैं, तो एंगल एक्स वाई क्यू जो है वो क्या, इस एंगल और इस एंगल दोनों का सम है, बिल्कुल वो सम है किसका, एंगल एक्स वाई जेड का प्लस में एंगल जेड वाई क्यू का। तो यहाँ अगर अपने बात करेंगे एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है अपने पास में, 64 डिग्री, और जेड वाई क्यू जो है अपने पास में किसके, जेड वाई क्यू, क्यू वाई जेड की बात करें या जेड वाई क्यू की बात करें, देन कितना है अपने पास में, 58 डिग्री है। देन दोनों का सम करेंगे तो 4 और 8 कितना, 12, कैरी कितना, 1, तो 5, 6 कितना, 11, और कैरी 1 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 122 डिग्री आ जाएगा किसकी वैल्यू, एक्स वाई क्यू की वैल्यू। नेक्स्ट अगर अपने बात कर रहे हैं किसकी, क्यू वाई पी की बात कर रहे हैं, तो क्यू वाई पी की बात की जाए या पी वाई क्यू की बात की जाए, कितना है अपने पास में, 58 डिग्री। तो यहाँ अगर आप बात करेंगे किसकी, रिफ्लेक्स एंगल की बात करेंगे, रिफ्लेक्स एंगल कौन सा, क्यू वाई पी, तो रिफ्लेक्स अगर आपको फाइंड करना है, देन कैसे फाइंड करेंगे, 360 डिग्री माइनस ऑफ एंगल क्या, क्यू वाई पी, और क्यू वाई पी की वैल्यू अपने क्या है कि ऑलरेडी डिटरमाइन की है कितना, तो 360 डिग्री माइनस ऑफ कितना, 58 डिग्री, देन अपने पास में कितना हो जाएगा, 10, तो 2 अपने पास में, यहाँ कितना, 5, 0, और ये अपने पास में कितना हो जाएगा, 302,
वी नो दैट कि अपने पास में रिफ्लेक्स एंगल जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री से ग्रेटर और 360 डिग्री से लेस देन होता है। तो स्टूडेंट्स अगर आपसे कोई बात की जाए कि अगर अपने एंगल की बात कर रहे हैं तो अगर अपने यहाँ क्या लिखा है कि अगर मैं यहाँ एंगल की बात करूँ, जैसे अपने यहाँ बात की थी किसकी, एक्स वाई और जेड की बात की थी, देन अगर अपने पास में यहाँ एंगल लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एंगल एक्स वाई जेड भी लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, एंगल एक्स वाई जेड भी लिख सकते हैं, और इसी को अपने क्या लिख सकते हैं, एंगल जेड वाई एक्स भी लिख सकते हैं, या इसको अपने एंगल वाई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ ध्यान रखे कि जिस वर्टेक्स पर अपने पास में क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, या तो उसका सिंपल लेटर लेना होता है, या अगर अपने यहाँ तीन लेटर्स के साथ कर रहे हैं देन अपने पास में क्या होगा, जिस जो वर्टेक्स आ रहा है वो अपने पास में क्या होगा, मिड में होगा, तो इसको अपने एक्स वाई जेड भी लिख सकते हैं और इसको अपने क्या लिख सकते हैं, जेड वाई एक्स भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट इसी के साथ अपने पास में क्या है कि एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।